हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और गाइस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं यार स्पीड टेस्ट कंपैरिजन हमारे रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स वर्सेस रियलमी 6 के बीच में। अब गाइस आप लोगों ने इस वीडियो के लिए यहां पर वोट किया है तो भाई ये मत बोलना कि मैं नोट 9 प्रो मैक्स को क्यों कंपेयर कर रहा हूं रियलमी 6 से, क्योंकि प्राइस डिफरेंस काफ़ी है। यहाँ पर जो रियलमी 6 है वो 14,000 रुपये में आता है और नोट 9 प्रो मैक्स 16,500 से स्टार्ट होता है। हालांकि 16,500 वाला वेरियंट मिलता नहीं है, 6GB 64GB मिलता, सिर्फ 128 है जो कि मेरे पास है यहाँ पे, और भाई उसी को हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं। रियलमी 6 गाइस मेरे पास बेस वेरिएंट है 4GB 64GB, नोट 9 प्रो मैक्स गाइस 6128 है जो कि मैंने 18,000 रुपये का परचेज किया था। और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्विकली आपको दिखा देता हूँ दोनों वेरिएंट्स यहाँ पे जो मेरे पास है। सो गाइस एज यू कैन सी ये रहा रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स और भाई ये है रियलमी का हमारा 6, और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों फोन्स में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यहाँ पे रन कर रहा है। रियलमी में भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे मैंने इसको अपडेट किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी गाइस सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो रिसेंट ऐप है वो यहाँ पे कम्प्लीटली क्लीन है और दोनों फोन्स यहाँ पे सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों फोन्स का सबसे पहले हम बूट अप कंपैरिजन यहाँ पे करने वाले हैं 3, 2 and 1 go। सो गाइस दोनों फोन्स यहाँ पे पावर्ड ऑफ है, दोनों फोन्स के एक साथ पावर बटन को प्रेस करेंगे 3, 2 and 1 boom। और दोनों फोन्स में गाइस साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है हमें यहाँ पर, देख सकते हो यहाँ पे दोनों का काफ़ी ज़्यादा फास्ट है यार। दोनों फोन्स का यहाँ पे लोगो आ गया है स्क्रीन पे। दोनों फोन्स में गाइस कुछ डिफरेंस है, जैसे कि नोट 9 प्रो मैक्स यहाँ पे स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर पे चलता है 720G और ये मीडियाटेक के हीलियो G90T पे चलता है। अभी देखते हैं कौन फोन यहाँ पर बूट करेगा पहले। अब गाइस मैं इसका ऑलरेडी बैटरी ड्रेन टेस्ट कर चुका हूँ 2 बारी, एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट पोको X2, K20 प्रो, गैलेक्सी A51 वगैरह के लिए, तो उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना। और भाई क्या बात है, Realme 6 यहाँ पे पहले बूट हो गया है, देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सरप्राइजिंग है यार ये, क्योंकि Redmi के फोन्स जनरली यहाँ पर बूट हो जाते हैं पहले। पर G90 यार काफ़ी केपेबल प्रोसेसर है जैसे कि यहाँ पे आपने देख लिया होगा भाई। अब गाइस सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं बेसिक सिस्टम एप्लीकेशन से 3, 2 and 1 go डायलर। भाई देख सकते हो यहाँ पर गाइस Realme काफ़ी ज़्यादा क्विक यहाँ पे था। और यहाँ पे हम बैक चलते हैं, अगेन गाइस सिस्टम एप्लीकेशन हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं मैसेंजर, और देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे दोनों ही फोन्स यहाँ पे। अब गाइस एक चीज़ बताता हूँ, रियलमी मैंने जितने भी पावर सेवर वगैरह जो ऑन होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ रियलमी के फोन्स में वो यहाँ पे ऑफ किया है ताकि अपनी पीक परफॉर्मेंस पे काम कर पाए। वहीं जो शाओमी के फोन्स हैं उसमें इतने ज़्यादा कोई ऐसा पावर सेवर नहीं है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑफ रहता है, अभी आपको दिखाऊंगा आगे चल के। और अब यहाँ पे यार चेक कर लेते हैं एक बार प्ले स्टोर दोनों फोन्स में एक साथ, और यहाँ पे देख सकते हो गाइस रियलमी 6 यहाँ पे काफ़ी क्विक था। इवन कि गाइस सेटिंग्स एप्लीकेशन को चेक करते हैं दोनों फोन्स में एक साथ 3, 2 and 1, और यहाँ पे देख सकते हो दोनों फोन्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे। अभी गाइस कुछ इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन भी हम यहाँ पे चेक करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे YouTube एप्लीकेशन को चेक करेंगे दोनों फोन्स में एक साथ, और भाई देखते हैं कौन सा फ़ोन यहाँ पे पहले आएगा। तो Realme भाई सुपर फास्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी गाइस जब मैंने इसमें बैटरी सेवर को ऑफ किया तो अलग ही लेवल के रिजल्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। अभी मैं आपको कुछ और ऐप्स दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि Instagram, और भाई देख सकते हो यहाँ पे पहले गाइस यहाँ पे क्लिक इसमें हुआ था पर पूरी यहाँ पे ये लोड इसने की है इंस्टाग्राम एप्लीकेशन, और यहाँ पे मेरी प्रोफाइल दोनों फोन्स में एक साथ, लेट्स सी। तो रियलमी देख सकते हो गाइस, एक बार यहाँ पे अपना कैमरा भी ऑन कर लेते हैं दोनों फोन्स में एक साथ, फ्रंट फेसिंग कैमरा। सो देख सकते हो गाइस कौन सा फ़ोन यहाँ पे क्विक है, तो दोनों फोन्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं यहाँ पे। तो नोट 9 प्रो मैक्स स्लाइटली फास्टर है, ज़्यादा यूज डिफरेंस नहीं है। सो गाइस नेक्स्ट एप्लीकेशन है कोरा, उसको भी चेक कर लेते हैं दोनों फोन्स में एक साथ 3, 2 and 1, और यहाँ पे देखते हैं भाई कौन सा फ़ोन फास्ट आएगा। सो रियलमी ने गाइस इसको पहले ओपन किया है, और कभी कभी यार ये नोट 9 प्रो मैक्स में थोड़ा सा दिक्कत देती है ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन। भाई गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो स्मूथनेस है वो दोनों फोन्स में। भाई गाइस एक और चीज़ बताता हूँ, जो रियलमी है मैंने उसको यहाँ पे 60Hz पे ही रखा हुआ है तो फेयर रखने के लिए, क्योंकि दोनों फोन्स में यहाँ पे 60Hz की डिस्प्ले है। अब गाइस यहाँ पे गेम्स को ओपन करने वाले हैं, सबसे पहले सर्वे सर्वर्स दोनों फोन्स में एक साथ। एक चीज़ बताना चाहूँगा, सर्वे सर्वर्स गाइस इसके अंदर जो मिलती है वो थोड़ा सा यहाँ पर लाइटर वर्जन है एज़ कम्पेयर टू नोट 9 प्रो मैक्स, क्योंकि प्ले स्टोर में आपको मिलता है इस फोन के लिए यही सपोर्टेड है। अगर आप दूसरे फोन से इसको सर्वे सर्वर सेंड करोगे तो इसमें इंस्टॉल नहीं होगी, तो ये एक प्रॉब्लम है यार, दिखाता हूँ आपको अभी। तो दोनों फोन्स में देख सकते हो सर्वे सर्वर्स है और दोनों फोन्स में डिफरेंस है, देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कार्टूनिश लग रही है, मतलब बच्चों वाली गेम लग रही है, बट है तो बच्चों वाली दोनों फोन्स में, पर यार यहाँ पे डिफरेंस है दोनों फोन्स के अंदर। सो यही वाला वर्जन इसमें चलता है। स्मैश हिट को भी ट्राई कर लेते हैं गाइस, अनदर गेम, और नोट 9 प्रो मैक्स गाइस स्लाइटली यहाँ पे फास्टर ओपन करता है इस ऐप को हमेशा। और एक बार गाइस यहाँ पे विंक म्यूजिक भी ओपन कर लेते हैं दोनों फोन्स में एक साथ, और देखते हैं भाई एक बारी। सो पहले यार नोट 9 प्रो मैक्स आया यहाँ पे आप देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट भाई सेम टाइम पे आया पर ऐड देने में कमी नहीं छोड़ता कोई भी भाई।
सो गाइज अब यहाँ पे एक बार रैम मैनेजमेंट वगैरह भी चेक करके देख लेते हैं दोनों फोन्स का कैसा हमें मिल रहा है। उससे पहले गाइज सो गाइज लास्टली यहाँ पे हम वीडियो को रेंडर करके देखते हैं दोनों फोन्स में। काइंड मास्टर को मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम वर्जन मेरे पास है और यहाँ पे लास्ट वीडियो है ये वाली, इसको गाइज यहाँ पे मैं सेव करने वाला हूँ यहाँ पे शेयर पे जाके और सेव टू डिवाइस गैलरी करते हैं मतलब फुल एचडी में। दोनों फोन्स के अंदर जो बिट रेट है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाया, तो दोनों फोन्स में जो बिट रेट है 1920/180 वाला वो सेम है यहाँ पे 8.5152 वाला, तो भाई इसको यहाँ पे टिक कर लेते हैं। और दोनों फोन्स में एक्सपोर्ट करने वाला हूँ यहाँ पे इस वीडियो को 1080p में देख सकते हो यहाँ पे, तो ये रहा भाई यहाँ पे हम कर देते हैं और देखते हैं भाई कौन सा फ़ोन यहाँ पे फास्टर करेगा। रियलमी में गाइज मैंने 0.1 सेकंड यहाँ पे ज़्यादा कर दिया है, 8.52 है यहाँ पर, 8.51 था बिट रेट, तो देखते हैं भाई कितना जल्दी करेगा। बट फिर भी गाइज देख सकते हो रियलमी ने यार क्विकली यहाँ पे वीडियो को रेंडर कर दिया है। जो G90 Ti है वो काफ़ी केपेबल है यहाँ पे आपको दिख रहा है वीडियो रेंडरिंग के अंदर, वहीं 720G अभी भी वीडियो को रेंडर करा है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अभी भी यहाँ पे Note 9 Pro Max में रेंडर नहीं हुई है और फाइनली भाई यहाँ पे वीडियो रेंडर हो गई है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है गाइस प्रोसेसर के मामले में। बाकी गाइस जो मैं आपको बता रहा था रियलमी के अंदर मैंने पावर सेवर ऑफ किया वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। दोनों फोन्स के अगर हम सेटिंग्स में जाते हैं इस तरीके से और यहाँ पे मैं आपको नीचे लेके जाता हूँ बैटरी में, तो गाइस यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस है और यहाँ पे भी बैटरी है इसके अंदर। गाइस रियलमी में हमेशा यहाँ पर पावर सेवर ये ऑन होता है, रियलमी के सारे फोन्स में इसको ऑफ करना अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। कस्टम पावर सेवर में जाओगे तो यहाँ पे आप ऐप्स को डिसेबल कर सकते हो, ये तो मैंने शाओमी के फ़ोन में भी यहाँ पे नहीं किया है, तो ये तो शाओमी के फ़ोन में भी इनेबल है तो इसकी टेंशन मत लेना। पावर सेवर में जाओगे तो यहाँ पे ये अलग चीज़ है और यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड है गाइस, इसको भी मैंने यहाँ पे हाई प्रायोरिटी मोड पे किया था बट ये बार बार ऑटोमेटिकली स्मार्ट पावर मोड पे आ जाता है, मैं बार बार इसको चेंज करता हूँ लेकिन ये वापस यहीं पे आ जाता है। सो गाइज ये चीज़ मैंने यहाँ पे ऑन की हुई है मेनली, इसको ऑफ किया हुआ है तो ये ध्यान रखना है। और वहीं गाइज यहाँ पे Note 9 Pro Max या फिर MIUI के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है स्मार्ट पावर सेवर ऑन करने का, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली ऑन होता है। इवन कि गाइज ये ऊपर से आपको ऑफ दिखेगा पावर सेविंग मोड बट यार ये अंदर से ऑन रहता है, तभी इतनी अच्छी बैटरी लाइफ आपको रियलमी UI में देखने के लिए मिलती है। अब गाइज यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार रैम मैनेजमेंट दोनों फोन्स के अंदर। सबसे पहले फोन डायलर एप्लीकेशन दोनों फोन्स मेमोरी में है, मैसेंजर दोनों फोन्स मेमोरी में है, प्ले स्टोर दोनों फोन्स मेमोरी में है, क्या बात है, YouTube, Instagram, कोरा, सफ़ेद सर्फर्स, सो गाइज दोनों फोन्स मेमोरी में है सफ़ेद सर्फर्स भी, स्मैश इट, वाओ गाइज वाओ, बोथ फोन्स आर डूइंग ग्रेट, विंक म्यूजिक ग्रेट, काइंड मास्टर, वाओ गाइज। सो गाइज सारी ही ऐप्स यहाँ पे जो मेमोरी में है हमारे फ़ोन के अंदर। और लास्टली गाइज हम यहाँ पे पबजी को भूल गए हैं टेस्ट करना, और भाई पबजी को टेस्ट करे बिना ये टेस्ट कंप्लीट हो नहीं सकता है, तो 3, 2, 1 गो। सो गाइज देख सकते हो दोनों फोन्स में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है पबजी भी यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गाइज एक बार रैम मैनेजमेंट चेक कर लेते हैं दोनों फोन्स के अंदर, यहाँ पे सेटिंग्स एप्लीकेशन बोथ डिवाइसेस फोन डायलर। सो गाइज रियलमी ने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया जैसे कि आपने देखा, मैसेंजर अगेन रिफ्रेश्ड गाइज, प्ले स्टोर स्टिल इन द मेमोरी, इंस्टाग्राम अगेन गाइज रिफ्रेश्ड, यहाँ पे यूट्यूब हमने ओपन किया है, यूट्यूब यहाँ पे देख सकते हो रिफ्रेश हो रहा है अब, क्योंकि गाइज यहाँ पे पबजी आ गई है और 4GB रैम वाला फ़ोन है ये, तो इस वजह से यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा है। जब तक हमने पबजी ओपन नहीं करी थी तब तक ठीक था, बाकी देख सकते हो अभी भी काफ़ी सारी ऐप्स को रख रहा है मेमोरी में, इवन कि सब सर्फर्स भी गाइज यहाँ पे मेमोरी में है और स्मैश इट यहाँ पे मेमोरी में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो गाइज यहाँ पे मैंने दो बारी रैम मैनेजमेंट इसलिए आपको दिखाया पबजी हटा के, कि यहाँ पे रैम मैनेजमेंट आपको गेम्स वगैरह अगर मतलब ज़्यादा ऐप्स रखोगे तो रैम मैनेजमेंट कैसा मिलेगा। इवन स्टिल गाइज 4GB रैम होने की बाद भी रियलमी 6 काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सिर्फ गाइज मैंने यहाँ पे इस फ़ोन के अंदर बैटरी सेवर वाला जो ये बैटरी ऑप्शन के अंदर स्मार्ट पावर सेवर को ऑफ किया और उसके बाद काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है यार, रैम मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया चल रहा है, इवन गेम्स वगैरह भी अच्छी तरीके से ओपन कर रहा है। सो गाइज काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस है दोनों फोन्स के अंदर 14,000 रुपये में, स्टिल गाइज रियलमी 6 काफ़ी अच्छा फ़ोन है। बस इसके अंदर ओवरहीटिंग इश्यूज है जो कि ये काफी ज्यादा ओवरहीट करता रहता है टाइम टू टाइम गेम्स वगैरह प्ले करने में, बाकी परफॉर्मेंस में कोई भी इशू नहीं है। दोनों फोन्स अपने प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया हैं। आप इस वीडियो को देख के जज मत करना यार कि कौन सा फोन बढ़िया है कौन सा फोन बेकार है, और भी कंपैरिजन वीडियोस वगैरह देखना आप मेरी, उसमें आपको ज्यादा पता चल पाएगा। बाकी बैटरी टेस्ट वगैरह देखना है और भी वीडियोस देखने तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके चेकआउट कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।